जम्मू कश्मीर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बुधवार को कर्तव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना बयान लोगों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की 40% आबादी को टैक्स नहीं देना होगा। सालाना अधिकतम 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए का भुगतान ही करना है। ये राशि शिमला, अंबाला और देहरादून द्वारा भुगतान किए जाने वाली कर राशि का 10वां हिस्सा है। इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बुधवार को एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर रॉन्ग पार्किंग और साथ ही साथ फुटपाथ को एनक्रोच करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इस मौके पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ये साफ तौर पर एक संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग रॉन्ग पार्किंग करते हैं, साथ ही साथ उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी जो लगातार फुटपाथ को अपने किराब में लिए हुए हैं। उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि अगर इसी तरीके से एनक्रोचमेंट जारी रही तो लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कश्मीर में 3 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद बुधवार को स्कूल फिर से खुल गए। इस साल की पहली बारिश के बाद घाटी में मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव आया, लेकिन बारिश छात्रों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। दरअसल लंबे समय तक बच्चे घर में कैद महसूस कर रहे थे, लेकिन स्कूलों के खुलने से बच्चों में उत्साह देखने को मिला। बुधवार को जम्मू के पक्काडंगा इलाके में मां चंडी के स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां के सामने शीश झुकाने के लिए पहुंचे तो वहीं प्रशासन और मंदिर की तरफ से भी बहुत सी तैयारियां देखने को मिली। सही इस मौके पर लंगर सेवा का भी आयोजन किया गया। विजयपुर में बुधवार को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह ने मासिक बैठक की। बैठक में 1 अप्रैल से लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चा हुई तो वहीं मनजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन में बैठे अधिकारी लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे रोज नए नए आदेश लेकर उन थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव करवाए जाने चाहिए ताकि सरकार में बैठे लोगों को दोबारा फैसला लेने का हक मिल सके और वे साफ कर सके कि टैक्स लगना है या नहीं। जम्मू कश्मीर में बुधवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ा हुआ नजर आया। बुधवार को कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 मार्च यानी आज जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में रामबन का पहाड़ी जिला पूरे देश में जैतून के तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैतून के पेड़ों के फल को तेल में परिवर्तित कर बाजार में बेचा जाता है और ये सबसे बड़ा रामबन जिला के ग्राम बाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां से लोगों को साफ तौर पर आमदनी और साथ ही साथ रोजगार पैदा करने के काफी मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अच्छा कारोबार चलता है और लोगों को इससे काफी फायदा भी हो रहा है। पिछले महीने बीबीसी को भारत स्थित कार्यालयों पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री ने बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने इस मुद्दे को उठाया। वहीं ब्रिटेन के मंत्री द्वारा सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है। बता दें कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस समय भारत में हैं।